कांग्रेस विधायक करण दलाल ने हरियाणा सरकार पर 800 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। दलाल ने कहा है कि एनिमल हस्बेंड्री विभाग के पैसे का सरकार के मंत्रियों ने बंदर बांट किया है। उधर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने सभी आरोप सिरे से खारिज कर दिए। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश की मनोहर सरकार पर 800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक करण दलाल का आरोप है कि एनिमल हस्बेंड्री विभाग और मिल्क प्लांट में पैसों का बड़ा गड़बड़छाला हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग से आने वाले सेस का पैसा मिल्क प्लांट से सरकार के खाते में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 800 करोड़ से ज्यादा की रकम को और बिना वजह उनको छोड़ देना, उनको नोटिस तक ना देना, तो ये सरकार की कसूर को साबित करता है। सबूत जो मैंने दिए हैं वो खुद इस बात को जाहिर करते हैं कि इसमें मंत्री और डायरेक्टर शामिल हैं और सरकार के खजाने को लूटने में लगे हुए हैं। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया जाए, डायरेक्टर साहब समेत। प्रदेश की मनोहर सरकार ने अपना 2.25 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त शासन दिया है, लेकिन विपक्ष के इन आरोपों ने इन दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। 2 बरस के अंदर जो सरकार की इनकी शासन व्यवस्था का जो माहौल बना है, ऐसा माहौल इस हरियाणा में पहले कभी किसी सरकार का नहीं बना। मंत्रियों के महकमों की ये हालत है कि जो पैसा उन महकमों में सरकार के खजाने से गया है, उस पैसे को आज तक खर्च तक नहीं कर पाए। करण दलाल के मुताबिक सरकार के मंत्रियों ने 800 करोड़ रुपए का बंदर बांट किया है। करण दलाल ने इसमें सीधे सीधे सूबे के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के रिश्तेदार बीरेंद्र की मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिसे ओपी धनखड़ ने ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया है कि करण दलाल के आरोपों में कभी कोई सच्चाई नहीं होती। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।